हेलो एवरीवन। सो आज ये सर आए हुए हैं हमारे पास हेयर पैच लगवाने। आज जो हम इनके मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है क्लिपिंग मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको हर महीने सर्विस के लिए आने की नीड नहीं है, आप खुद ही घर पे सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हम एक बार तो आपके पास हेयर पैच के लिए आ सकते हैं, बट हम हर महीने आपके पास नहीं आ सकते, या कोई ऐसा मेथड है जिसको हम सेल्फ मेंटेन कर सकें। सो यस, क्लिपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम आपके एग्जिस्टिंग हेयर को नहीं रिमूव करते हैं, बल्कि उन्हीं के साथ क्लिप्स को अटैच करते हैं। ये एक रिमूवेबल मेथड है जिसको आप डेली या फिर वीकली या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली रिमूव करके खुद ही सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं। जो भी हम हेयर पैच लगाते हैं वो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर का होता है, जिसके अंदर आप कोई भी हेयर स्टाइल, कोई भी लुक या आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप अपने नेचुरल हेयर में करते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो हाइलाइटिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटनिंग कराना हो, आप हर वो चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। फ्री स्टाइल पैच होता है, जिसका मतलब है कि आप कोई भी हेयर स्टाइल, कोई भी लुक बना सकते हैं। सपोज़ करिए आज हमने आपको कोई हेयर स्टाइल बना के दिया और आपको कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल आपके नेचुरल हेयर की तरह ही वर्क करता है। आप ऐसे मान के चलिए कि हमने आपको कोई हेयर पैच नहीं लगाया, बल्कि हमने आपको एक आपके बाल वापस दे दिए हैं। आप उसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाइए, कोई भी लुक बनाइए, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस ये बाल ग्रो नहीं करता। हम जो भी पैच लगाते हैं वो हम आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करके लगाते हैं, आपके कलर के अकॉर्डिंगली, मैचिंग के अकॉर्डिंगली, आपको किस तरीके की डेंसिटी चाहिए या आपकी खुद के ओरिजिनल बालों की डेंसिटी क्या है, हम हर एक चीज़ को कंसीडर करके आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हेयर पैच आपको देते हैं। सर की जो डिमांड है वो थोड़ा सा हैवी डेंसिटी की तरफ है, तो हमने उनको थोड़ा हैवी डेंसिटी लुक दिया है। बाकी अगर आपको थोड़ी सी कम डेंसिटी चाहिए तो आप कम डेंसिटी के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं हमने जो पैच लगाया है वो बिल्कुल आपके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मैच करके लगाया है। सो बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलता है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर और ये हेयर पैच के बालों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो आइडेंटिफाई कोई कभी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्लिपिंग मेथड के अंदर क्या पैच रिमूव हो जाएगा, या कोई अगर पैच को खींचता है तो उसके बाल रिमूव हो जाएंगे या बाल निकल तो नहीं जाएंगे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझिए। जैसे हम एक शर्ट होता है, शर्ट के ऊपर एक बटन होता है, अगर कोई खींचेगा तो वो बटन टूट जाएगा, उसको एक ओपन करने का तरीका होता है। सेम गोज विद हेयर पैच इन क्लिपिंग मेथड। सो क्लिप को ओपन करने का एक तरीका है, अगर आप उसको सही तरीके से ओपन करेंगे तो वो तभी निकलेगा, अगर कोई उसे पकड़ के खींचेगा तो या तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर खींचेंगे या वो नहीं निकलेगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी ने पकड़ के खींचा या किसी का हाथ लगा तो हेयर पैच रिमूव हो गया क्लिपिंग मेथड के अंदर। बाकी आप क्लिपिंग मेथड से अगर बाद में किसी और मेथड के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। आप स्टार्टिंग क्लिपिंग मेथड के साथ कर सकते हैं और जब आपको लगे कि हाँ मैं हर महीने सर्विस के लिए आ सकता हूँ या मुझे एक फिक्सेशन मेथड चाहिए, तो आप वही सेम पैच को फिक्स मेथड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है जो आपको लगता है कि आपको हमसे पूछना है, तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई दें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम काफ़ी सारी नई नई अपडेट्स, नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। एंड यस, अभी करंटली हमारी 6 ब्रांचेज हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, देहरादून एंड चंडीगढ़। और अगर आप इन में से किसी भी ब्रांच में विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एड्रेस एंड प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगी।